नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्यो हेल्प में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक से अपना बिजली बिल जमा कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एयरटेल पेमेंट बैंक ऐप को यूज़ करते हैं और दोस्तों आप चाहते हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, लेकिन आपको नहीं पता है कि किस तरह से जो है एयरटेल पेमेंट बैंक से ऑनलाइन बिजली बिल जमा किया जाता है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताऊँगा कि आप बहुत ही आसान तरीके से एयरटेल पेमेंट बैंक से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो साथ में घंटी वाला बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए रोजाना इसी तरह की काम की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पे जो है आपको सबसे पहले एयरटेल पेमेंट बैंक को ओपन कर लेना है, और यहां पर जैसे आप इसको ओपन करते हो तो आपके सामने यहां पर इस प्रकार का पेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहां पर आप नीचे आओगे, यहां पर आपको बैंकिंग वाले ऑप्शन पे जो है नीचे आपको क्लिक करना है, या दोस्तों आपको यहाँ पे सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का ऑप्शन मिल जाएगा, या दोस्तों आपको नीचे बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप अपना इंश्योरेंस प्रीमियम, गेट लोन, COVID-19 इंश्योरेंस, मैनेज इंश्योरेंस, रिचार्ज, पोस्टपेड, सिलेंडर बुक, तो यहाँ पर अगर आप जो है यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर फ्लैट 30% का ऑफर भी मिल रहा है। मतलब आप यहां पर बिल जमा करते हो और यदि आप कहीं पे फ्लैट लेते हो तो उस पे आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यहां पर बहुत सारे यहां पर ऑफर भी चलते रहते हैं, तो आपको सिंपली इलेक्ट्रिसिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहां पर जो है इस प्रकार का पेज नया ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, राज्य जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, तो यहां पर आपको सारे राज्य मिल जाएंगे भारत के, जिस भी राज्य से आप रहने वाले हो उस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, आपको सिंपली जो है अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद में उत्तर प्रदेश में जितने भी बोर्ड होंगे, मतलब कि जितने भी यहाँ पर बोर्ड होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके राज्य में एक बोर्ड है, दो बोर्ड है, जैसे कि जिसको बोलते हैं बोर्ड, तो वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। अब आपको सिंपली जो है अपने बोर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे 5 बोर्ड हैं यूपी में, तो कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, नोएडा पावर, टोरेंट पावर आगरा, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड रूरल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्बन। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन का मतलब होता है नगरीय क्षेत्र। तो मैं यहाँ पर जो है ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है रूरल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना कंज्यूमर नंबर डालना है। कंज्यूमर नंबर आपने पहले कभी बिजली बिल जमा किया होगा या दोस्तों आपने जो है अपना कभी कनेक्शन कराया होगा, तो आपको ये वहाँ देखने को मिल जाएगा। घर जो मीटर लगा होता है उस पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो है आपको कुछ सेकंड वेट करना है, यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है। ऐसा करने के बाद में आपका जो कस्टमर नंबर नाम होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, बिल नंबर देखने को मिल जाता है, बिल डेट देखने को मिल जाती है, कब तक आपको जमा करना है वो भी डेट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद में आपको कितना बिल जमा करना है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर एयरटेल मनी बैंक जो बैंक होती है उसमें पैसे हैं या उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ऐड करके भी जो है यहाँ पर पैसे ऐड करके अपना बिल जमा कर पाओगे। और यदि आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड से यहाँ पर जो है पेमेंट करना चाहते हो तो आपको जो है उस पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में आपको अपना यहाँ पर कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायर डेट और नेम ऑफ कार्ड, CVV नंबर डालने के बाद में आपको पे नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में जो है आपका यहाँ पर बिजली बिल जो है जमा हो जाएगा। या दोस्तों आप अपने सीधी जो है एयरटेल पेमेंट में ऐड मनी करके जो है, यहाँ पर पैसे नहीं है मेरे एयरटेल पेमेंट बैंक में, लेकिन मैं यहाँ पर ऐड मनी करके जो है इसको जो है पे कर पाऊंगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अपना एयरटेल पेमेंट बैंक से अपना जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर पाएंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।